नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भूपेश सरकार में महिलाओं को रोजगार में। मैं हूं आपके साथ रश्मि गौरी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हर तरफ चर्चा भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने की हो रही है। चर्चा हो रही है कि भूपेश सरकार ने इन 2 सालों में क्या किया है और क्या नहीं। हम भी यही चर्चा करेंगे कि सरकार ने इन 2 सालों में प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। इसी को जानने के लिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा करेंगे पद्मश्री फूलबासन यादव के साथ और साथ ही महिला स्व सहायता समूह की कुछ और अन्य सदस्यों के साथ। जानेंगे कि किस तरह से भूपेश सरकार की योजनाओं का महिलाओं को सीधे फायदा मिल रहा है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 14 दिसंबर को अंबिकापुर में हुए कार्यक्रम की है। दरअसल कार्यक्रम में एक ग्रामीण महिला से सीएम भूपेश बघेल मिल रहे हैं, जिनसे मिलने के बाद मुख्यमंत्री खिलखिला उठे। सरगुजा के गोठानों से तैयार वर्मी कंपोस्ट से सर्टिफाइड बायो फर्टिलाइजर का निर्माण हमारे अतिथियों के समक्ष, जिसकी अवधि दोनों पक्षों के इस तरीके से अभिनव नवाचार का एक अनूठा प्रदर्शन आप सभी के समक्ष जोरदार तालियों से। वो एक आम ग्रामीण महिला ही है, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण की वर्तमान में एक बड़ी उदाहरण है। जिन्होंने गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया और फिर हैदराबाद की कंपनी के साथ करार किया। दरअसल प्रदेश भर में इसी तरह से सभी जिलों में ब्लॉकों गाँव में स्व सहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं। जैसे कि राजधानी रायपुर के तेरी खेड़ी की इस यूटिलिटी सेंटर में काम कर रही इन महिलाओं को ही देख लीजिए। यहाँ महिलाएं कुटीर उद्योग के माध्यम से कई तरह के उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। इस तरह के सेंटरों में जहाँ साबुन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, दिया निर्माण, अन्य सजावटी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। गांव-गांव में जहाँ समूह की महिलाएं खेती, वर्मी कंपोस्ट, दिया निर्माण, गौकाष्ठ निर्माण के काम से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। सरकार की ये भी कोशिश है कि ग्रामीण हो या शहरी महिला, सबके पास काम हो, रोजगार हो, स्वावलंबी बने, उद्यमी बने, रोजगार पाए और दूसरों को भी रोजगार दें। बीते 2 सालों में प्रदेश भर में 50,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मुहैया सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन न्याय योजना से मिला। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है, चलिए बेहद ही खास पैनल जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वाईपुर से जो पैनल जुड़ा हुआ है उनमें मां बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति के संस्थापक पद्मश्री फूलबासन बाई हैं और महिला स्व सहायता समूह के सदस्य दया ध्रुव हैं और हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी दया जी, कि किस तरह से देख रही है एक संवेदनशील मुख्यमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री की सौगातों को किस तरह से देख रही है कि जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया कि महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो चली हैं। नमस्ते मैम जी। नमस्ते, नाम दया ध्रुव है जी। मैं ग्राम सेरी खेड़ी की रहने वाली हूँ। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे इतना आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायता प्रदान किए, इनका मैं धन्यवाद करूंगी जी। मैं मल्टी यूटिलिटी कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर में काम करती हूँ। 1 साल से मशरूम का काम करती हूँ। और मैं अपने घर में भी मतलब काम करती हूँ। और यहाँ हमारे ग्राम संगठन में चार सौ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 200 महिलाओं को रोजगार मिला जी। रोजगार मिला है। जी दया जी, जब आप लोगों ने यहाँ
जी दया जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों ने शुरुआत की तो आप लोगों को सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि आपके समूह में 400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिनको सीधे सीधे 200 महिलाओं को सीधे सीधे रोजगार मिला है। जी हमारे यहाँ सरकार की तरफ से 15,000 आरएफ मिला है और सीआईएफ मिला है और ग्राम संगत कलेक्टर से लोन लिए हैं और वो सब जमा करके हम सबसे शुरू में ट्री गार्ड का काम चालू किए हैं। ठीक मेरे साथ उसके बाद धीरे धीरे गतिविधि बढ़ते गई है। ठीक बहुत अच्छी बात है कि गतिविधि बढ़ती जा रही है और आय भी आप लोगों की दोगुनी होती जा रही है। जी पद्मश्री फूलबासन बाई यादव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पद्मश्री फूलबासन जी, किस तरह से देख रही हैं कि एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री न केवल पूरे प्रदेश के जो जितने भी लोग हैं उनके बारे में बल्कि खास तौर से महिलाओं के उत्थान के बारे में, उनके रोजगार के बारे में इतने संवेदनशील हैं कि उनको बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं? सबसे पहले तो आप सब जय जोहार की जुड़े हूँ मल्ला हमार माँ बबली शरीर जजित से हम राजनगांव जिला से लगभग 2,00,000 महिला जुड़े हैं जेबे 14,000 से ज्यादा तक उन्हें हमारे फेडरेशन जुड़ चुके हैं और हमारे उनके काम लगातार 21 साल से लगातार चलते आते और अभी तक तो हवन कोई भी सरकार से मदद नहीं ले हैं और जो भी काम करे हैं तो स्वयं सहायता समूह के मेन उद्देश्य ये है कि स्वयं की सहायता से खुद आगे बढ़ो और महिला ला बढ़ाओ, खबर के जनता समाज जाग जाए तो बड़े से बड़े काम आते हैं और जो सरकार के पैसा है वो हमारे गरीब मन पर असहाय मन पर काम आ सके। तो एक बार हम तो अभी तक मदद तो नहीं मांगे हैं सरकार से लगातार 20-21 साल से हो गया और आज सोसाइटी कंपनी माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति से चला थे आज इन खाद लगातार हमारे 7-8 साल से हम काम कर रहे थे जो कंपनी में 1400 से भी ज्यादा महिला काम कर रहे थे। डेयरी में 25 गांव है जिसमें लगभग 15,000 से 16,000 दूध हुए थे वो भी बैंक से लिंकेज करके महिला मन स्वयं के सोसाइटी बनाए जी और जेबे 25 गांव के महिला मन जुड़े और सेव वॉक में हमारे जुट जाते जी आर्थिक यानी कि हमारा मेन उद्देश्य है कि सरकार की योजनाएं हैं वो गांव में आए, गांव में जो समस्या है सरकार तक जाए। लेकिन सबसे बड़े हमारे जो समस्या है वो नशा के भी है। यदि मान लो हमारा सरकार की मदद मिल जाए जो महिला मन गांव गांव में महिला कमांडो महिला फौज के रूप में काम करते स्वयं सहायता समूह के बहनी मन घूमते तो मैं यही कहना चाहूँ सरकार ला कि सरकार के बहुत अच्छा प्रयास है किसान मन महिला सहायता समूह पर, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज है जिसमें हमारा और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी बात रोजगार ट्रेनिंग तो मिलत है लेकिन मान लो कोई सामान बनाते हैं ना ओला बेचे बर हमारा मार्केटिंग की भी जरूरत है, जगह जगह बाजार की जरूरत है, सामान तो बन गए ऑर्गेनिक सब्जी भी लगा थे महिला मन खाद भी बनाते हैं लेकिन बेचे के जो सबसे ज्यादा तकलीफ है तो हमारा दूसरा राज्य में जाए की जरूरत पड़त है। आज जीविकन लगभग 30 से 35 करोड़ के जिमीकंद राजनांदगांव जिला में महिला समूह बेचे हैं लेकिन उन्हें बेचना है तो हमारे पास कोई बाजार नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि जब तक महिला स्वयं सहायता समूह राजनांदगांव जिला में छत्तीसगढ़ में लगभग 8,00,000 महिला जुड़े हैं जो 2003 से लगातार बहुत प्रयास रखे राष्ट्रीय जीविका मिशन तो करते ही है जो सरकार के एक देश है और साथ में जो पुराना स्वयं सहायता समूह है वो बहनी मतलब भी जरूरत है सहयोग के और इसमें जब तक सरकार पूरा ट्रेनिंग से लेके बाजार स्थापित नहीं कर रही बाजार गांव में जिला में ब्लॉक में स्वयं के एक महिला बाजार हो महिला मन के आम सभा हो और ऊपर जो भी गांव में सामान बनाया जाए। आप तो मंच पर मुख्यमंत्री से मिली थी और मुख्यमंत्री आपको देखकर बहुत खुश भी हुए थे फूलबासन जी, वो किस तरह का अनुभव रहा आपका? शायद मुख्यमंत्री जी से मैं जब इंडिया टुडे के सम्मान में ही मिल पा रहे हूँ और बात भी नहीं हो पाए अभी तक, शायद अभी तो सब
बहुत जल्द से मिल गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी शायद अभी मुख्यमंत्री जी के बुलावा नहीं हुए मोर पास। और मेरी बहुत सारा काम है पूरा देश में सुना होते, और 2 लाख महिला नहीं है लगभग मोर साथ में जुड़े हुए, 5 लाख है जो राज्य लेवल में महिला मन काम करत। ठीक ठीक, मैं चाहता हूँ कि ये काम ना जो महिला जिला के मन करत है वो यहाँ के महिला मन ट्रेनिंग दे पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के महिला। बिल्कुल, क्योंकि एक संवेदनशील सरकार है और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री और तमाम लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और वो आपकी तमाम समस्याओं को इस वक्त सुन भी रहे होंगे। उद्देश्य यही है कि अवगत कराया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी वैभव श्री पांडे भी जुड़े हुए हैं। वैभव, आप लगातार देख रहे हैं इन 2 साल में प्रदेश सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ना केवल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करने के लिए वहां पे किस तरह से रोजगार मिले, ना केवल आम लोगों को मिले, पुरुषों को मिले, बल्कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए और उसे महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके एक बेहद ही महत्वपूर्ण न केवल फैसला लेते आ रहे हैं बल्कि कार्य भी करते आ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल रस्क, और ये सच भी है, बीते 2 वर्षों में हमने देखा है खासतौर पे जो सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजना है जो कि सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन न्याय योजना, ये दोनों ही योजनाएं ऐसी है जिसमें बड़े पैमाने पे स्वरोजगार के जो है उपलब्धता हुई है और खासतौर पर जो महिला समूह है वो इस जो है कामों से जुड़ी हुई हैं, जैसे नरवा गरवा गुरुवा बारी में बारी से जुड़े जितने भी काम हैं वो महिला स्व सहायता समूह के पास आज काम चला जा रहा है। साथ ही जो वर्मी कंपोज है यानी कि गौठान से जो गोबर संग्रहण किया जा रहा है और अन्य जगहों से उससे वर्मी कंपोज वो तैयार किया जा रहा है उस पर महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। साथ ही जो अन्य तरह की सजावटी वस्तुएं हैं जो कि गोबर से निर्मित हैं उन सब का काम जो है महिलाओं के पास है। तो मैंने इस देखा है कि इन 2 सालों में अलग अलग जगहों पे बड़ी पैमाने पे जो है महिलाएं इस तरह के कामों से जुड़ी हैं, गोधन न्याय योजना से जुड़ी हैं और अपना एक स्वरोजगार उन्होंने पा लिया है। और बहुत सारे जगहों पे अब जो सरकार की कोशिश है कि एक ही छत के नीचे पे ढेरों ऐसे उत्पाद है जिसका निर्माण एक साथ जो है महिला समूह की सदस्य बैठ के कर सके, तो उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है और कई जो है बड़े जिलों में मल्टी यूटिलिटी सेंटर जो है स्थापित किए जा रहे हैं जहां पे एक छत के नीचे पे सैकड़ों महिलाएं एक साथ काम कर रही है। और जैसे कि आज हमारे साथ इसमें बैठी हुई दया ध्रुव वो भी राजधानी रायपुर की जो है छेरीखेड़ी इलाके में मल्टी यूटिलिटी सेंटर है वहां की एक सदस्य है और उनके सामने बहुत सारी महिलाएं जो काम कर रही जिसका अनुभव अभी वो बता रही थी। मुझे लगता है उस अनुभव को हम और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन जो शख्स आज हमारे साथ इस चर्चा में है, जो शख्सियत हमारे साथ आज इस चर्चा में है, पद्मश्री फूलभाषण यादव, वो एक तरीके से देश की मॉडल है, रोल मॉडल है। उनसे बहुत सारी महिलाओं ने जो है प्रेरणा ली, न सिर्फ महिलाओं ने बल्कि सरकारों ने भी, उनके कामकाज को देख के सरकार जो है आगे बढ़ती रही है। और यही वजह है कि हम चाहते थे कि आज जब हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि भूपेश सरकार के इन 2 सालों में जो स्वरोजगार की स्थिति है, खासतौर पे आधी आबादी को जो हम स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब फूलभाषण जी की जो है सुझाव, उनकी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि फूलभाषण यादव जी के पास जो अपना एक लंबा दीर्घकालीन अनुभव है जो कि 30-35 सालों का अनुभव है जिसको कि हम सब देख रहे हैं, मुझे लगता है उससे और भी ज्यादा का होगा। और फूलभाषण यादव ने बताया कि किस तरीके से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, स्वावलंबी बन सकती है, वो खुद रोजगार प्राप्त करके दूसरों को रोजगार मुहैया करा सकती हैं। तो एक आइडल जो है चेहरा आज हमारे इस चर्चा में है, तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी बात है कि हम उस शख्स के साथ रूबरू हो रहे हैं सीधे तौर पर और सरकार की योजनाओं पे बात कर रहे हैं कि कैसे ग्रामीण स्तर पर जो है योजनाएं फलित होती है, उसका एक बड़ा उदाहरण फूलभाषण यादव भी है और दया ध्रुव भी है। तो रस्क, मैं चाहूंगा कि दया ध्रुव हमको इस बात को भी बताए कि आज मल्टी यूटी सेंटर है जहां पे वो काम कर रही बहुत सारी महिलाओं के साथ, तो वहां पे किस तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, कौन कौन से उत्पाद तैयार कर रहे हैं और आमदनी में किस तरीके से इजाफा हुआ है। एक घरेलू महिला जब कामकाजी महिलाओं के तौर पे आती है तो वो घर पे कितना, परिवार पे कितना जो है मदद कर पाती है, वो शायद दया ध्रुव इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट करे और उसके बाद इसी चीज को हम फूलभाषण से भी समझने की कोशिश करेंगे।
दया जी, आपने सुना होगा मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि किस तरह से आप लोग कार्य कर रही हैं और किस तरह से आप लोगों को सहयोग मिलता है, इस पर थोड़ी सी दृष्टि डालिए। जी, हमारे यहाँ सैनिटाइजर, एलईडी बल्ब, मोमबत्ती, अगरबत्ती, बेकरी और मास्क, फेस शील्ड, ये सब चीज, आरओ पानी और ये सब चीज गतिविधियाँ चल रही हैं और हमारी महिलाएं सबसे अच्छी उसी में लगन से काम कर रही हैं। इस पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। समूह के सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमको समूह के माध्यम से रोजगार मिला है और अपने घर में हम सक्षम होके अपना और यहाँ भी काम कर रहे हैं, घर में भी काम कर रहे हैं और हमारी घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा है। पहले से लेके अब तक आप लोगों की आर्थिक स्थिति में, आप लोगों के जीवन यापन में क्या कुछ अंतर आया है? और अगर हम इस पूरे साल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मार्च 2020 से कोविड की मार भी हमने देखी है, लेकिन वो कोविड की मार हमें छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली है, तो इस पूरे कोरोना काल को भी आप किस तरह से देखती हैं? कोरोना सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि कोरोना काल में भी हमारे यहाँ रोजगार महिलाओं को मिला है और हमारी आर्थिक स्थिति भी मतलब बहुत अच्छा चल रही है। जी, ये बहुत एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि आर्थिक स्थिति ना केवल बेहतर हुई है बल्कि एक तरह से संपन्नता आ रही है जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। फूलबासन जी, क्योंकि मेरे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव मतलब गौरव का की नहीं है, मतलब पूरे देश के लिए एक आप मॉडल के तौर पर जानी जाती हैं, सरकारें आपसे सीख रही हैं, सरकारें आपकी योजनाओं को अपनाने की कोशिश करती हैं कि कैसे आपको देख के दूसरे स्व सहायता समूह को किस तरह से उनको मदद दी जाए, कैसे ये आइडिया आता है, आप कैसे शुरुआत करती हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपके दीजिए। मन में ढेरी इच्छा शक्ति लगन होना चाहिए कोई काम करे में, और जो इंसान में लगन है तो आदमी कोई रोक नहीं सके, या गरीबी या अमीरी या कोई समय। हम राजनांदगांव जिला में जब 2001 में शुरू करे तो सबसे पहले हम 2 रुपया 2 मुठ्ठा से चावल से शुरू करे रहे ना, और गरीबी अच्छी तरह से मोल पता है, 3-4 दिन तक भूखे प्यासे रहना, ना घर ना खाए दो वक्त के रूप। महिला संगठन में सबसे पहली 11 महिला मन की जो ताकत है, तो वो ताकत घर में रहो तो घर में खाना बनाओ, पति खिलाओ, बच्चे खिलाओ, वहीं तक सीमित थे। जब महिला स्वयं सहायता समूह के नाम से घर से बाहर निकलते और जब वो मन जब बैठे रहे तो उनका दिमाग अपने आप ऊपर घर के बारे में, गांव और समाज के बारे में सोचने लगते। पुरुष से ज्यादा 2-4 गुना महिला में सबसे ज्यादा तेज दिमाग होते। महिला चाहे तो घर गाँव समाज में बदल सकते। रही के बाद कि महिला के पास समय नहीं है या फिर मोर पास गरीबी है या फिर थोड़ी लालच, ये चीज हटा दे जाए तो बड़े से बड़े काम एक मांग कर सकते हैं। हमारे यहाँ ग्राम संगठन, क्लस्टर, ब्लॉक, सेक्टर राजनांदगांव जिले में 2003 से बन चुके हैं और यहाँ जब 14,000 महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े तो यहाँ कहीं भी अभी 21 साल से कोई ना 1 रुपया पैसा कोई नहीं मिला थे, ना मोला मिले, ना कोई समूह के महिला ने मिले। और वे हम सबसे पहली जो गांव में है, गांव के वातावरण से ही जैसे जिमीकंद लगाए तो जिमीकंद में गांव के वातावरण में देख के कि वो जो इच्छा चाहिए वो काम करवाए। जैसे बकरी पालन के फेडरेशन बने हैं तो 200 परिवार में सबके घर बकरी पालन है, वहाँ जो महिला जो इच्छा है। एक जिला सरकार से भी एक जिला करना चाहता हूँ कि जब महिला ने हमन ट्रेनिंग देते शासन से ट्रेनिंग मिला थी तो तुरंत उन्हें रोजगार मिल जाए, ऐसे नहीं कि उन्हें 3-4 महीने तक घुमाए तो जगह से जो इच्छा शक्ति वो मर जाते। तो एक कारण हम स्वयं बैंक से जुड़ जैसन और बैंक से लोन निकाल के तुरंत बोला ट्रेनिंग दे के बाद में तुरंत मतलब काम दे देते। जी, यहाँ पे आप कह रही हैं कि ट्रेनिंग के बाद सरकार को उनके रोजगार के प्रति और ज्यादा गंभीर होना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए ट्रेनिंग के बाद। ये कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने भी बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, सहयोग किया होगा कि आप अपना खुद का स्वरोजगार संचालित कर सके, शुरू कर सके, तो आप कैसे सरकार को ये बताना चाहेंगे कि उसके पीछे किस तरह से क्या हमें कार्य योजना अपनानी होगी?
साधन से मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्लानिंग है ना, जो गांव के जो महिला जो रुचि है ओकर ट्रेनिंग लेना है, तो जैसे ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 8 दिन के अंदर में ओला बैंक से लिंकेज कराना है, तो तुरंत बैंक में 6 महीने तक नया चप्पल पहन के जाते और चप्पल पूरा पूरा किया जाते। फिर भी सरकार की योजना तो है, योजना तो बन गई, लेकिन योजना न वहाँ तक पहुँचे बस पैसा मिले बस 6 महीने लगते, तो इससे सबकी मर जाते। तुरंत होना चाहिए, महिला स्वयं सहायता समूह पर हो या युवा युवा भाई बन पर हो या किसान पर हो, कोई भी ट्रेनिंग के तुरंत मिलना चाहिए। और मैं वैसी करता हूँ, मैं तुरंत लोन दिलवाता हूँ, बैठ के वहाँ लोन के वापसी तक किसान के महिला समूह जो किसान है पैसा के वापसी तक बैंक के साथ जुड़े रहते हो, और वो लोग 11 महीने में पैसा लगी वापिस करवाते हो, और लोन ब्याज आज एक एक महीना 5-5 लाख रुपया पैसा निकाल के रोजगार करते हैं। आज वो रोजगार में देखने वाला भी 10 गांव के कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता लगातार निगरानी करते कि दुकान चलते नहीं चलते, कोई वाला परेशानी तो नहीं है, दुकान बंद तो नहीं हुए, महिला स्वयं सहायता समूह सही है नहीं है, उसका अधिकार सही है नहीं है, या वाला कहीं परेशानी तो नहीं, यानी बहुत सारे चीज देखना पड़ते। समूह बन गए, बनाए के बाद छोड़ दें, बोला 50,000 रुपया दे दें, 60,000 रुपया दे दें, फिर ओकर बाद में कोई देखने वाला नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। पैसा सरकार की बहुत कीमती है जी, वो पैसा हर जनता के पैसा है, वो पैसा में हम सबके अधिकार है। बिल्कुल, वाकई में, और मैं यही सवाल अपने सहयोगी से करूंगी। वैभव, आपने सुना यहाँ पे पुलवासन जी कह रही हैं कि ट्रेनिंग के बाद रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि योजनाएं तो सरकार की है लेकिन उनको सरलीकरण किया जाना चाहिए। ये सरलीकरण कैसे होगा और क्यों इतना टाइम टेकिंग होता जा रहा है कि वाकई में जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर वो अपना खुद का स्वरोजगार एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनको तुरंत मदद मुहैया होनी चाहिए, इसको लेके कहाँ मतलब देख रहे हैं कि कहाँ क्या कमी आ रही है? देखिए रश्क, पुलवासन जिस ओर इशारा कर रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि बाजार की उपलब्धता कैसे होगी। अगर हमारे पास बहुत सारे उत्पाद हैं तो उसको हम लेकर के कहाँ जाएंगे, उसको बेचेंगे कहाँ? तो मुझे लग रहा है कि फुलवासन जी इसमें अच्छे से मदद कर पाएंगी सरकार के, चूंकि उनका दायरा भी अब काफी व्यापक हो चुका है, उनकी पहचान न सिर्फ छत्तीसगढ़ है बल्कि देश के कोने कोने तक है और विदेशों तक जो है उनकी पहचान है। तो मुझे लगता है कि फुलवासन जैसी हस्तियों का जो है बिल्कुल मदद सरकार को लेनी चाहिए, न सिर्फ फुलवासन बल्कि हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ में एक संसार बेगम जी हैं, वो भी स्व सहायता समूह के क्षेत्र में एक जानी पहचानी जाना पहचाना चेहरा है, पद्मश्री उन्हें भी अवार्ड हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जिनकी मदद बिल्कुल सरकार को लेते रहनी चाहिए। लेकिन फुलवासन जी की जो बात है उस बात से थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि आज जो स्थिति है बीते 2 सालों में, फुलवासन जी के पास अपने अनुभव होंगे निश्चित तौर पे, वो पुराने होंगे, लेकिन आज 2 सालों की अगर स्थिति में, शायद फुलवासन जी मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि 2 सालों में, बीते 2 सालों में हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो काफी बड़ी संख्या में अब आगे आई हैं। पहले की स्थिति में फुलवासन जी खुद भी बता रही थी कि जब उन्हें स्व सहायता समूह तैयार करना पड़ा तो बहुत सारी चुनौतियों के बीच में आगे पढ़ना पड़ा, सरकारें नहीं आ रही थी, उनको खुद से जो है तैयार होना पड़ा, उन्हें खुद से आगे बढ़ना पड़ा और 21 सालों का एक लंबा संघर्ष वो बता रही हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि सरकार खुद भी जा रही है, महिला स्व सहायता समूह के पास जा रही है, संगठन जो तैयार हो रहे हैं गाँव गाँव उनको जो है रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके पास काम पहुंच चुका है। दो बड़ी योजनाओं के जिक्र कर रहा हूँ रस्क, नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन। देखिए इसी योजना के बलबूते पे जिसकी तस्वीर हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस महिला से मिलते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे, दरअसल वो अंबिकापुर क्षेत्र की रहने वाली महिला है और उन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद जो तैयार किया नरवा गरवा घुरवा बारी योजना से, उस योजना से प्रभावित होकर जब उस स्वसहायता समूह ने बड़े पैमाने पर जब उसका काम किया तो उसकी जो हैदराबाद की एक कंपनी है जो कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रही है तो उस कंपनी ने उसके साथ करार किया, तो एक बड़ी उपलब्धि है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन रही है और उदाहरण के तौर पर आज फुलवासन जी हमारे सामने बैठी हुई है जिन्होंने अपने बलबूते पे खुद को तैयार किया, बिल्कुल, लेकिन आज उनके जरिए जो है आत्म महिलाएं तैयार हो रही है, अब सरकार की भी उसमें बहुत ज्यादा भागीदारी हो चुकी है और उसका एक उदाहरण दया ध्रुव है जो कि यहाँ पे मल्टी यूटिलिटी सेंटर में काम कर रही है। तो ऐसे यूटिलिटी सेंटर न सिर्फ रायपुर में बल्कि अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पे अब तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह के कामकाज होंगे तो फुलवासन जैसी
महिलाओं की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। कई ऐसी महिलाएं, फूलबासन जी जैसी, दया जी जैसी कई ऐसी महिलाएं निकलेंगी जो वाकई में न केवल छत्तीसगढ़ का जो पूरा नाम है उसको न केवल देश के पटल पे बल्कि पूरे विश्व के पटल पे उसको रखेंगी और उसकी ख्याति हर जगह हमें देखने को मिलेगी। दया जी, क्योंकि समय का अभाव है, क्या कुछ आप और अपने अच्छे अनुभव साझा करना चाहेंगी? जी, मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने और महिलाओं को और सशक्तिकरण बनाएं। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि महिलाओं का सशक्त होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। फूलबासन जी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप सरकार को और देश प्रदेश की तमाम महिलाओं को? मैं यही कहना चाहूँ कि सबसे पहली बात तो मन में भी इच्छा शक्ति और संगठन जरूरी है। आज एक बहुत बड़े पूरा देश और पूरे विश्व में जो काम राजनांदगांव जिला और छत्तीसगढ़ में जो होते कोई देश में नहीं होते। आज केबीसी भी जाए के बाद में हर एक पूरे देश के यहाँ तक के पाकिस्तान से भी फोन आ चुके हैं। ये सब एक फूलबासन के काम नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए महिला की ताकत है और वो संगठन की ताकत है। संगठन में बहुत बड़े ताकत है। हम सब मिल के घर से बाहर निकलन तो नशा मुक्ति हो सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक सब कुछ संभव है। वाकई में बहुत सही बात आपने की है फूलबासन जी कि अगर सब संगठित हो जाएंगे तो हर चीज संभव है। वैभव, एक कंक्लूडिंग रिमार्क इस संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए। मैं तो यही कहूँ कि जो है दो बच्चा अब्बड़ सुगर और ये दो बच्चर में जो है खास तौर पे जो महिला मन है वो है फूलबासन जी से जिन्हें चेहरा लेके आगे बढ़ाते है। मुला लगते है कि अवैया बेरा में हमार जिन्हें फूलबासन यादव जी से और जिन्हें महिला चेहरा निकल के सामने आई काबर की अब सरकार सीधे ओकर साथ जुड़ गए हैं। तो भूपेश सरकार की इस दो वर्षों में जो है स्वरोजगार की स्थिति काफी अच्छी हुई है और उसमें सबसे अच्छी बात रही है वो महिलाओं की जो भागीदारी जिस पर की सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जान हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फूलबासन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई और इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने न केवल प्रदेश की महिलाओं के सामने रखी बल्कि आपने देश की महिलाओं के लिए भी आप एक आइडियल बन के उभरी हुई हैं। दया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने ये जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी कि कैसे एक घर में रहने वाली गृहिणी किस तरह से खुद सशक्त हो सकती है और कैसे दूसरों के लिए भी वो एक प्रेरणा बन सकती है। उसकी प्रेरणा आप जैसे ही लोगों से लगातार लोग लेते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों हर तरफ चर्चा तो भूपेश सरकार के दो साल पूरे होने की हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं उन फैसलों का नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह से न केवल प्रदेश का हर वर्ग सशक्त हो रहा है बल्कि खास तौर से अगर बात की जाए तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर एक महिला सशक्त होगी उसका परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो पूरा प्रदेश और प्रदेश के साथ देश भी सशक्त होगा। और महिलाओं के इसी सशक्तिकरण के लिए भूपेश सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।